आइए साहब, मेरे साथ आइए। अरे गफूर मियां, बताइए तो कहाँ जा रहे? साहब, अरसलान बहुत मुश्किल में है। आप चलिए बता दो। साहब, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं साहब, मैं भी साथ में चलता हूँ। कपूर कश्मीरी है यार, उस पार का बंदा तो है ना, अपने मुल्क का है। साहब क्यों जबरदस्ती रिस्क लेना साहब? अगर हम इन पे भरोसा नहीं करेंगे तो वो भी इन पे भरोसा नहीं करेंगे। तो रुक, मैं आता हूँ। जी अरसलान, अरसलान बेटा बाहर आ। साहब गलत सोबत में पड़ गया है, मिली डंडों के साथ उठना बैठना है, मगर अब बाहर आने को राजी है, हमारी मदद कीजिए साहब। कपूर भाई, इसके लिए आपको मेरे सीनियर अफसर से बात करनी पड़ेगी। नहीं साहब, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है सिवाय आपके। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे अपने बच्चे के साथ कश्मीर छोड़कर जाना पड़ेगा साहब। बेटा तुम चुप क्यों है? जो मुझे बताया है साहब को खुद बोल बोल बेटा। वो लोग मुझे उस पार भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए। कौन लोग? हैदर के बंदे। उसूल और ईमान की बात करते हैं लेकिन सब के सब पैसे का जिहाद छेड़ रहे हैं। मुझे बाहर निकलना है। तूने बात उनसे कही तो नहीं? अभी तक तो नहीं। अच्छा है, कहना भी बात। अरसलान तो जहाँ है वहीं रुक। साहब आप मेरे बच्चे को खबरी बनाना चाहते हो? नहीं गफूर भाई, मैं मदद ही कर रहा हूं, आप मेरा यकीन रखिए ना। अरसलान तो कुछ दिन उनके साथ ही रुक, उनका मन कर रहा है। और हाँ, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तू मत आना। ठीक है, चलो।